हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय वन ऑफ माय स्टूडेंट। सो ऑन अ फ्रिक्शनलेस, लेट्स गेट टू इट। ओके, ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस एज्यूम टू बी द एक्स वाई प्लेन। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है एक्स वाई प्लेन। अ स्मॉल ट्रॉली ए इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। सी, सो दिस इज द एक्स वाई प्लेन। This right, this whole plane is xy plane. A small trolley is moving in a vertical direction, y direction, and it is moving with a constant velocity of root 3 minus 1 meter per second. At a particular instant, when the line OA makes an angle of 45 degree with x axis, a ball is thrown along the surface from the origin O. Okay, so this is not T, this is A. Let's call it P according to the question. So when trolley is at 45 degree from the x-axis, means OA, अगर ट्रॉली की लोकेशन ये है तो ये x-axis से जब 45 बना रहा होता है तो we are throwing a ball so that the ball will hit the trolley somewhere here. So ball hits the trolley somewhere here. So somewhere that somewhere we will consider at a point, neglecting the size of the ball and size of the trolley. एक बात बताओ आप, अगर ट्रॉली यहाँ से है कांस्टेंट वेलोसिटी से वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंड यू आर थ्रोइंग अ बॉल, तो जब तक बॉल थ्रो करोगे, जब तक बॉल थोड़ा आगे बढ़ेगा, ट्रॉली थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा। तो आपको एक चीज रियलाइज हो जाना चाहिए तुरंत, दिस फाई इज गोइंग टू बी लार्जर देन 45 डिग्री, तभी जाके आगे ये हिट करेगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, मोशन ऑफ द बॉल। ओके, हाँ, सो बॉल को थ्रो किया गया 5 डिग्री। नाउ फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। The motion of the ball is observed from the frame of the trolley. Oh, again, चलो मैं trolley पे हो जाता हूँ. So I am at the trolley. Calculate the angle theta made by the velocity vector of the ball with the x-axis in this frame. Theta निकालना है made by the velocity vector of the ball. Velocity vector of the ball, ठीक है? With the x-axis in this frame. जो बॉल का वेलोसिटी वेक्टर, आपको लग रहा होगा कि दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर ना बॉल, आप सही हो, लेकिन दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द बॉल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल सरफेस, फ्रॉम द फ्रेम रेफरेंस ऑफ द हॉरिजॉन्टल सरफेस। लेकिन आपको पूछा क्या है, फ्रॉम द फ्रेम ऑफ द ट्रॉली, सी वेक्टर ऑफ द बॉल विद द एक्स एक्सिस इन दिस फ्रेम, जहां पे मैं हूँ, मीन्स ऑब्जर्वर, जहां पे ऑब्जर्वर है। तो आई वॉज ऑन द ट्रॉली, राइट? तो मुझे जो वेलोसिटी वेक्टर दिखेगा बॉल का, इट वुड बी द रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है? एंड दैट वेलोसिटी वुड बी दिस वन। व्हाई? रिलेटिव वेलोसिटी कैसे करते हैं? जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है उसकी वेलोसिटी रिवर्स करके दूसरे ऑब्जेक्ट को दे देते हैं। सो हमें विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली निकालना है, तो वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द बॉल क्या हो जाएगा, वीवी वेक्टर माइनस वीटी वेक्टर, राइट? ठीक है, बाय द वे एरो नहीं लगाते, मेरी आदत है, बट चलो लगा देता हूँ, बार। ओके, बार में वेक्टर। अब देखो, वेक्टर एडिशन आप करोगे तो क्या हो जाएगा, मैं हमेशा सब्ट्रैक्ट, वेक्टर सब्ट्रैक्शन नहीं करता हूँ, वेक्टर एडिशन करता हूँ। मान लो मैंने, मुझे वी बी को ऐड करना है माइनस वी टी से, तो वी बी वेक्टर ये हो गया, ये वाला, और माइनस वी टी इसी का जस्ट रिवर्स हो जाएगा, ये रिवर्स डाउनवर्ड, ये हो जाएगा माइनस वी टी। तो दोनों को ऐड करोगे तो आपका रिजल्टेंट जो वेलोसिटी वेक्टर आएगा, दैट वुड बी दिस वेक्टर, ठीक है? नाउ टेल मी व्हाट, दिस रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर इज एट द ओए, ओए लाइन, एंड हाउ मच एंगल डज इट मेक विद द एक्स एक्सिस, 45 डिग्री, और वही एंगल होगा जो बॉल बनाएगा टू द एक्स एक्सिस अगर कोई ऑब्जर्वर ट्रॉली से देखता है, तब ट्रॉली से कोई ऑब्जर्वर देखता है तो बॉल का जो एंगल होगा इट वुड बी 45 डिग्री। So first part is answered 45 degree. Okay, so this is very difficult to write from here. So phi hamara kitna aa gaya, phi. Ab second part mein aate hain. Find the speed of the ball with respect to the surface if phi is equal to 4 theta upon pi. 4 into theta ki value put kar do, kitna ho jayega 45. Okay, bear with me with writing. Okay, I'm trying to arrange a writing pad, so soon I will get it. So isko aap 3 15 times and 15 fours are 60, right? So phi ki value jo aa gayi 60 degree.
अब आपको निकालना है सेकेंड पार्ट में किस वेलोसिटी से बॉल को थ्रो किया जाए सो दैट इट विल हिट द ट्रॉली, और किस एंगल पे, एंगल हमें आ गया फाई कितना 60। देखो फाई आ भी रहा है 45 से ज्यादा, बिगिनिंग में मैंने बताया था राइट। अब एक बात बताओ, अगर ये यहाँ पे हिट कर रहा है तो वो वाला कॉन्सेप्ट लगाया करो रिलेटिव वेलोसिटी में, कभी भी हिट करने का कोई दो ऑब्जेक्ट टकरा रहे हैं तो सेम टाइम में कितनी डिस्टेंस चली गई दोनों बराबर कर दो आ जाएगा, हमेशा हिट करने में यही लगाया करो सेम टाइम में ट्रेवल्ड डिस्टेंस। तो सेम जितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ जाएगा ट्रॉली, ये यहाँ से यहाँ जाएगा ट्रॉली, उतने ही टाइम में ये बॉल यहाँ से यहाँ जाएगा ठीक है। तो बॉल यहाँ से यहाँ जाने में वर्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया बॉल, ये ट्रेवल किया ठीक है, और और वो वर्टिकल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये सब प्रोजेक्टाइल से पड़े ही हो गए बट प्रोजेक्टाइल यहाँ नहीं लग रहा, अगेन आई एम रिपीटिंग, सो वी वी साइन फाई, साइन फाई, फाई की वैल्यू मैं सीधा सीधा रख रहा हूँ 60 इंटू टी ठीक है, इज इक्वल टू वट। एक चीज यहाँ पे और बताता हूँ, वो चीज यहाँ पे देखो ये 45 है तो ओपी इज इक्वल टू एपी होगा, ओपी इज इक्वल टू एपी ठीक है, और अगर रिलेटिव वेलोसिटी आपको पता है राइट, सो ओपी कितना हो जाएगा, एक्चुअली रिलेटिव वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है, ओपी कितना हो जाएगा बताओ, यही वीवी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये बॉल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में इतना ट्रेवल करेगा ओपी के बराबर ठीक है। तो ओपी के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लोगे वीवी कॉस 60 एंड सेम टाइम इंटू टी ठीक है, वीवी कॉस 60 इंटू टी, तो 45 डिग्री है टैन 45 वन, सो दिस एपी इज इक्वल टू ओपी। तो यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस में ये कितना ट्रेवल करेगा ये वाला राइट, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ट्राइंग टू डू कि वीबी वर्टिकल डायरेक्शन में कितना चला इतना, इसको हम मैथ ज्योमेट्रिकली कितने के बराबर होगा, एपी प्लस इसको मान लो क्यू, एपी प्लस ए क्यू, तो एपी इज इक्वल टू ओपी, तो वो क्या हो जाएगा, हैंग ऑन ये हो जाएगा, समय ज्यादा लग रहा है क्या, नहीं ठीक है, लंबा क्वेश्चन था दो पार्ट है एंड कॉन्सेप्चुअल है, अच्छा है समझना इज मोर इम्पोर्टेंट, सो वी वी कॉस 60 इंटू टी राइट, ए पी को मैंने क्या लिख दिया ओपी के बराबर है इधर से यहां से, प्लस ए क्यू, ए क्यू कितना होगा बताओ, ए क्यू वी टी इंटू टी हो जाएगा, जितने टाइम में बॉल यहां से यहां जा रहा है उतने टाइम में ट्रॉली यहां से यहां जा रहा है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी है रूट थ्री माइनस वन, आप स्पीड बढ़ा लेना यार अगर ज्यादा स्लो हो जाए तो ओके, मैं हमेशा हर वीडियो में सजेस्ट करता हूँ, इनटू टी, एक बार बताओ दोनों तरफ से टी निकाल के कॉमन लेके कैंसिल कर दोगे ठीक है, तो कॉमन ले लो और वीवी को एक तरफ ला दो, वीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट थ्री माइनस वन अपॉन साइन 60 माइनस कॉस 60 राइट, टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, साइन 60 माइनस कॉस 60, और साइन 60 कॉस 60 की वैल्यू पता है, अब यहां से मैं सीधा सीधा आंसर लिख रहा हूँ आप कर लेना, यू हैव टू बी स्मार्ट, अगर आप ये क्वेश्चन समझ रहे हो तो ये कर लोगे, देखो साइन 60 कितना हो जाएगा √3/2 माइनस कॉस 60 1/2, डिनोमिनेटर इज सेम √3 - 1 कैंसिल्ड आउट इज इक्वल टू 2 m/s ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग राइट, एंड अगेन सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्लियर योर डाउट, हैव अ ग्रेट लर्निंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। इसके बाद स्किप करना हो कर दो, बट आई हैव टू से यू नो सबको बताओ अपने फ्रेंड्स को भी एंड आस्क देम टू सब्सक्राइब, सी दिस इज अ वेरी सिंपल वे टू लर्न, जहाँ कहीं भी डाउट हो तुरंत उसे स्क्रीन शॉट लो, टाइप करो कॉमेंट में, आई विल क्लियर इट, अगर छोटा मोटा डाउट है मैं कॉमेंट में ही टाइप करके क्लियर कर दूंगा, बड़ा डाउट है क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो मैं समझा के ऐसे वीडियो से बता दूंगा राइट, सो दैट्स वॉट यू हैव टू डू ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन, बाय।